गाइस, अगर आप लोगों पर अपना फेस फुल एचडी हाई क्वालिटी में नहीं बनता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेस को फुल एचडी हाई क्वालिटी में कैसे स्मूथ कर सकते हैं ऑटोडेक्स एप्लीकेशन की मदद से। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ, तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। गाइस, जब आप अपने फेस को स्मूथ करते हैं ऑटोडेक्स एप्लीकेशन के अंदर, तो आपके फेस पे कुछ इस तरीके का आ जाता है, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे ब्लैक। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते, यहाँ पर कहीं पर भी ब्लैक नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही धांसु टिप्स बताऊंगा फेस स्मूथ की। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फोटो को शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही शेयर कर लिया है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डुप्लीकेट फोटो दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वाले फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, स्मूथिंग वाले पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फ़ोटो है कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले हमारा ऐसा था और अब ऐसा हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फिर आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेंसिंग वाला, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टून इमेज का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे माइनस करना है फुल 100, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और इसको भी पूरा 100 माइनस कर देना है। ऊपर स्क्रॉल करना है, हाईलाइट को भी माइनस कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट का, तो आपको इसे राइट कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू एडिट का, तो इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे ब्रश को ले लेना है। इसके बाद आपको अपने फोटो को जूम करना है और बैकग्राउंड पर कुछ इस तरीके से फिंगर घुमाना है, ठीक है। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा, तो आपको सही से घुमाना है, ठीक है, स्लो मोशन में, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा तेज मत करना, ठीक है, फिर आपके कपड़े पर आ जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी जल्दी से यहाँ पर कर लेता हूँ। गाइस, बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं फेस स्मूथ करना सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, आप लोगों को कुछ इसी तरीके से बना लेना है अपने बैकग्राउंड को। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको यहां से कट करना है। फिर आपको क्या करना है, इस पेंसिंग वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है। एंड यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स का, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस वाली सेटिंग्स को आपको क्या करना है, यहां पर आपको 50 रखना है, ठीक है, पूरा 50। और ऊपर स्क्रॉल करना है, उस वाली सेटिंग को प्लस करना है, कम से भी कम 37 रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट कर देना है। तो इतना आपको कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहले हमारा फोटो ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है इसमें। तो अब आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसे शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, हमारा जो फोटो है वो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस वाले पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं एरो के निशान से आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। तो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जो लेयर है वो बन चुका है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर है नॉर्मल, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको सॉफ्ट लाइट कर लेना है यहाँ पर, इस वाले ऑप्शन पर, ठीक है, सॉफ्ट लाइट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कट करना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस वाले पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रेड कलर रख लेना है, तो यहाँ पर रेड कलर रख लेना है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको टूल्स पर क्लिक करना है पेंसिंग वाले आइकन पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मैं ब्रश यूज करूँगा आपको वही यूज करना है, ठीक है। तो गाइस, आपको इस वाले ब्रश पर सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस सेटिंग्स पर क्लिक करना है। एंड इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेना है, 8.2 रख लेना है। और ये जो कुछ नीचे वाली लाइन है इसको थोड़ा माइनस कर लेना है, इसको रख लेना है 26। उसके बाद यहाँ से कट करना है और अपने फेस को कुछ इस तरीके से जूम करना है और अपने होठों पर कुछ इस तरीके से रेड कलर को लगा लेना है ताकि देखने में अच्छा लगने लगे।
तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है एंड उस पर क्लिक करने के बाद जो हमने प्यारा सा लेयर बनाया था उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, आपको इसको कम या ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, जो जो आपके होठों पर लिपस्टिक है इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, यहाँ पर इतना सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। तो गाइज़ फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक लेयर बना लेना है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके। एंड आपको लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा सॉफ्ट लाइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कट करना है और कट करने के बाद आपको दोबारा पेंसिल वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करना है। एंड गाइस मैं यहाँ पर यही वाला ब्रश यूज करूँगा, तो आपको यही वाला ब्रश यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाली लाइन को फुल कर लेना है और ये जो साइज है इसे अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कट करना है और अपने फेस को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से और अपने फेस पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है यहाँ पर। ठीक है, और स्लो मौसम में, बहुत ही स्लो मौसम में करना है गाइस। यहाँ पर आपको ज़्यादा मैं यहाँ पर वीडियो को भगाऊंगा भी नहीं, बट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मैं कितना स्लो मौसम में चल रहा हूँ और आपको भी इसी तरीके से ड्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर तो गाइस बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर यार लास्ट तक देख लेना है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो गाइस आप लोगों को कुछ इसी तरीके से ड्रॉप कर लेना है यहाँ पर और फिर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शंस पे यहाँ पर क्लिक करना है और दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है जो आपने लेयर बनाया था। ठीक है, तो गाइस इस लाइन को हमें इतना रखना होगा जहाँ पर जो हमारा ये गोरा फेस हो रहा है तो ये अच्छा लगने लगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा यहाँ पर वाइट ना दिखाया जाए। ठीक है, तो इतना हमें रख लेना है यहाँ पर, तो ये सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो फोटो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे गैलरी के अंदर शेयर कर लेना है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो फोटो है वो गैलरी के अंदर आ चुका है, अब इसे आपको शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हमारा जो फोटो है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है और गाइस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे लेयर दिखाए जा रहे होंगे, यानी कि टूल्स दिखाए जा रहे होंगे यहाँ पर साइड में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मिक्स का, इस पर क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है और गाइस आपको दूसरी वाली लाइन को माइनस करना है। ठीक है, -50 रख देना है इसे। इतना करने के बाद आपको तीसरी जो लाइन दिख रही है नीचे वाली, तो आपको इसे प्लस करना है। ठीक है, +50 रख लेना है, 50 रख लेना है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फेस है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गोरा हो चुका है। अब मैं आपको इसे स्मूथ करके दिखाऊंगा, बट गाइस वीडियो को छोड़कर बस भाग मत जाना, नहीं तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। वीडियो को स्किप करके भी मत देखना गाइस, नहीं तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला शेयर वाला, तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है और इसे आपको शेयर करना है दोबारा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हमारा जो फोटो है वो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रश दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा ब्रश बताऊंगा जो आप आसानी से उसे यूज करें। ठीक है, मैं ऐसा ब्रश नहीं बताऊंगा आपको कि उसमें आपको दिक्कत आए स्मूथ करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ब्रश को क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला है, आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेकर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जितनी मैंने सेटिंग रखी है आपको बस इतना ही रखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा मत रखना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ से कट करना है और कट करने के बाद अपने फेस को जूम करना है कुछ इस तरीके से और अपने फेस पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है।
तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो फेस है बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है गाइस, बहुत ही रिक्वेस्ट है आपसे बहुत ही हाथ जोड़ के। तो गाइस आप लोग इसी तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं और गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी इसे करके दिखा देता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लैक नहीं आ रहा है। आप लोग अगर इस वाले ब्रश को यूज करोगे तो आपके फेस पर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो गाइस आप लोग इसी तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर लेना, फुल HD हाई क्वालिटी में बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना भी जूम कर लो बेकार नहीं होने का है, देख सकते हैं गाइस। इस तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं फुल HD हाई क्वालिटी में। और गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने फेस को स्मूथ कर ही लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।